नमस्कार, आदाब। आप सबका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर इस्तकबाल है, स्वागत है। आज से मैं आपको सुना रहा हूँ इसमें चुगताई का नॉवलेट जिद्दी। आज इसकी पहली किस्त, इसका उन्वान है, शीर्षक है पूरन। सुनिए पहली किस्त पूरन। पानी जान तोड़कर बरस रहा था, मालूम होता था आसमान में सुराख हो गए हैं। सच भी है, कब से तना खड़ा है, सड़ गलकर सुराख हो जाना क्या ताज्जुब। कई रात बरसता रहा और सुबह से बरस रहा था, जोर जोर से गोया भर भर समुंदर पानी के कोई पूरी ताकत से जमीन पर पटक रहा हो। दीवारों के घर तो कभी के पानी के तमाचों से बेदम होकर बैठ गए थे, छप्पर गीली दाढ़ियों की तरह बांस और बल्लियों से झूल पड़े थे और घर वाले पेड़ों के नीचे दुबक बैठे थे, मगर पानी जैसे उनसे छेड़ कर रहा था। कोई पेड़ भी पत्थर के साहिबान तो न थे जो पानी पत्तों को चीर फाड़ कर सरों पर न गिरता। वैसे भी जैसे कोई चुल्लू भर भर कर पेड़ों के भी नीचे पानी उलझ रहा था, पर नालों की वावेला से और भी हवास गुम थे। और फिर रात आ रही थी, घटा टोप से आई गाढ़ी होती जा रही थी, गटर तेजी से लुढ़क रहे थे। आशा माँ को आखिरी घूंट पानी देने की कोशिश कर रही थी। माँ तो जाने कब मर गई थी, ये नानी ही माँ बाप सभी कुछ थी। अब नानी भी चल चलाव पर तुली थी और बाप बेकार निकट्ठू सा। एक दिन स्टेशन के पास मरा हुआ पड़ा मिला। नानी बहुत कुछ उसे देती थी, पर अब वो भी बूढ़ी हो चली थी। ये बात थी कि वो राजा साहब की खिलाई रह चुकी थी और राजा साहब के बाद उनके बेटों को भी इन्हीं सूखे मारे घुटनों पर वही सड़ी पुरानी लोरियां दी थी जो उनके बाप को दे चुकी थी। पर वो खर्राज थी और फिर कोई जागीर थोड़ी मिल गई थी। जेवर थोड़ा थोड़ा करके खाया, बर्तन रखने की जरूरत ही कौन सी थी। उम्र भर राजा साहब के यहां रही और बुढ़ापे में कौन सोने के थाल लगाता है। कई साल से महल के कोने में पड़ी सड़ रही थी। राजा साहब ने अज़राए हमदर्दी उसे पेंशन देकर गांव भेज दिया। कुछ भी था, उसे सुकून था कि वो अपने गांव में मर रही थी। अपना गांव कहाँ, गांव तो राजा ही था। नहीं आया, अभी नहीं आया, आशा समझी बुढ़िया यमदूत को याद कर रही है, मगर वो पूरन के मुतालिक सोच रही थी। पूरन राजा साहब का सबसे छोटा लड़का था। वो अच्छा खासा 7 बरस का हो गया था, तब भी बूढ़ी अम्मा के साथ ही सोता था और हर इतवार को गांव बड़े भाई के साथ आया करता था। और आज तो इतवार था, बुढ़िया ना जाने क्यों उसका इंतज़ार कर रही थी और इसीलिए ठहरी हुई थी, वरना उसे कायदे से बहुत पहले बढ़ जाना चाहिए था। रंजी की माँ कहाँ गई, बुढ़िया फिर जागी। हाँ माँ, क्या बुला लाऊं, मेह पड़ रहा है। नहीं, पर है बड़ी, वो ऐसे छोड़ गई। सांस घुटी जा रही थी। क्या मेह बहुत पड़ रहा है, बुढ़िया को फिक्र हुई कि अब जलाई कैसे जाएगी। हाँ, आशा सहमी हुई धोती का किनारा मरोड़ रही थी। और जाने रंजी की माँ कहाँ मर गई, न जाने रंजी की माँ पर इतनी ममता क्यों आ रही थी। रंजी वैसे तो रंजीत और सिंह बनियापन छुपाने को लगाया गया था, मगर कहलाते अबे रंजीत है।
और ये वालिदा साहिबा खरिया की दुल्हन, मोती की बहू और राम भरोसे की बीवी, और न मालूम कितनी जगहें बदल चुकी थी, पर सब कमबख्त मरमर गए और उनमें से किसी एक की यादगार रंजीत है। समाज में उनकी हैसियत भी थोर के दरख्त की सी थी, ज्यादा कारामत बनने का उनमें जज्बा ही ना था। कम सिनी में कुछ दिनों हिजड़ों की टोली में जा घुसे और रंजी की माँ को सारा दिन मोहल्ले वालों को गालियाँ तकसीम करने में गुजर जाता। न जाने क्यों वो बजित थी कि हिजड़ों की टोली में नहीं बल्कि नौटंकी में गया है, जो छोटा मोटा थिएटर होता है। कुछ भी हो, रंजी की निभी नहीं और वो पिटकर भाग आए। अब गांव भर में अपनी नगमा सराई के लिए मशहूर थे और एकदम बागियाना ख्यालात, कुजा हिजड़ों में थे, कुजा अब अव्वल नंबर के गुंडों में शुमार किए जाते थे। कुछ भी था मगर वालिदा साहिबा तो सर उठाकर चलती थीं। बुढ़िया की बेकरारी बेकार ना गई और बोरा ओढ़े आन पहुंची। कहाँ चली गई थी बुढ़िया? मौत के फरिश्ते की तरह घुर्राई। आई जरा देखने गई थी रंजी लौटा के नहीं। लक्ष्मी के माँ के गई थी, हरामी जाने कहाँ मरा है जाके। चाहे मैं मर जाती। बुढ़िया अकेली आशा के सामने नहीं मरना चाहती थी कि कहीं उसका दिल ना हिल जाए। रंजी आशा पर आशित थे। बुढ़िया को पहले तो बहुत बुरा लगा मगर फिर सर घुमाकर देखा तो और कौन से हीरो जड़े थे। और यह भी बात थी कि रंजी लुच्चा होगा अपने घर का। आशा से छेड़ करने की उसमें कभी हिम्मत ना हुई। आशा बाहर भी कब जाती थी, बुढ़िया सांप बनी उसकी हिफाजत कर रही थी। सारा काम रंजी की माँ रिश्वत में कर रही थी और रंजी जब कभी आता गधे की तरह सर झुकाकर बैठ जाता। बुढ़िया राजी ही थी पर अभी नहीं। अभी आशा थी ही कितनी, 2 साल हुए तो उसने बाकायदा धोती पहननी शुरू की, वरना लहंगा पहने जरा सी बच्ची लगती थी। मगर रंजी की माँ की राय में लहंगे साड़ी से कुछ नहीं होता। जब वो उतनी थी तो 2 बच्चे गिर चुके थे और 3रा होने को था। अपनी अपनी उठान है। बड़ी भी जब अच्छी थी तो उनकी हिम्मत से मरूब होकर कहती थी, आशा मेरी धानपान है। और रंजी की गेंडे जैसी मस्तक देखकर सहम जाती है। रंजी बुरा भी ना था, हुस्न का मुकाबला तो हो नहीं रहा था, ठिंगना जरूर था और बतीसी जरा लोटी हुई सी थी। बजाय नीचे के दांतों के ऊपर के दांत अंदर थे और थोड़ी जरा आगे को थी। जब हंसता था तो मालूम होता था किसी ने गल्ला उल्टा कर दिया है। और होंठ तो दोनों एक जैसे सपाट ही थे, नाक थोड़ी नीची और वसी थी मगर आंखों में रस था और बाल जैसे आजकल बड़े लोगों में जिसे देखो गंजा होता चला जाता है। पर हफ्तों में धोने के बायस धूल में अटे हुए पूरन नहीं आया। रंजी के जिक्र से उगता का रस पलटा। ऐ लो वो इस पानी में आएंगे, बड़े आदमी किसी के भी ना होते। सच तो यह है बुढ़िया में दम होता तो वो इतना लड़ती कि रंजी की माँ पस्त हो जाती, अंधी कहीं की कोढ़न। और वो जो हर इतवार आता था तो क्या उसे दिखाई ना देता था? आते ही वो अचार की हंडिया टटोलता और उम्दा घी की फरमाइश करता। उम्दा घी
और लड़ाई के जमाने में भला किधर से आए ना जाए, ये लड़ाई में घी का क्या खर्च है, तोपों में भर भर कर मारते होंगे, भला घासलेट क्यों नहीं भरते, आदमी तो खाए घासलेट और तोपें और फिर उन्हें नाश्ता कराने में तो बिल्कुल हलकान हो जाती। मम्मी मेरा तोस, निर्मल चिल्लाता, सूखा मारा इंसान, और मेरा दूध, दूध पी पी कर शीला कचोरी हो गई, और सबसे छोटा भैया हलक के आखिरी कोने से चिंगार मारता, बीच में भाभी कुश्ती लड़ती, देखो मम्मी ये मेरा पापड़ खा गई, निर्बल मिनमिनाता, ले अपना पापड़, मंगते शीला पापड़ मुंह पर मार देती, देखो मम्मी, निर्मल फरियाद करता, सूखे टिड्डे, मोटी भैंस, तुम सूखे टिड्डे हवा में एक दिन उड़ जाओगे, और तू मोटी कुप्पा एक दिन ठपाक से फट जाएगी बस। कन्या अलन, निर्मल और शीला एक दूसरे का खूब मुंह नोचते और नहायत मोहब्बत से गाढ़ी हुई फ्रॉक पर दूध छलक जाता और निर्मल का तोस उसकी कोनी में चिपक जाता, तब भाभी चिंगारती, क्या अंधेर है निर्मल के बच्चे, वो चटाचट निर्मल की रानों पर थप्पड़ मारती और शीला की कमर में धमोके लगाती, और जो इसी अस्त्र में कहीं पूरन आ जाता तो बस भूचाल का मजा आ जाता, वो आते ही निर्मल के उच्छू लगवा देता और शीला की तोंद में उंगलियां टहलता और भैया के मोटे मोटे गाल इतने मसलता के खून झलक आता, हट वहां से आया बड़ा, भाभी छोटे छोटे हाथों से पूरन को ढकेलती, लेकिन मेरे बच्चे के गाल लाल हो गए, मगर पूरन उसे और भींचता और वो हंसता, देख लो भाभी हंस रहा है ना बे आया, हाँ बिल्कुल अपनी माँ की तरह, पूरन उसे हवा में उछालता और साथ साथ भाभी का जी उछलता, हाय पूरन, पूरन मेरा बच्चा, वो सांस रोक लेती, और जब पूरन उसे लटका कर उसका मुंह दिखाता तो भैया हंसता ही होता, और अगर आशा कोई चीज़ लेकर आती या कोई काम करती होती तो पूरन कह उठता, चलता, दुकान भी चलती, और फिर जब सब खा पी चुकते तो दूसरा धंधा इख्तियार किया जाता, वही बड़ों का खोंचा लगाया, दिन भर चक चक कर ही ख़त्म कर लिया, सिगरेट बीड़ी की दुकान दोस्त यार फूंक गए, जेब के दाम भी गए, हाँ जो रंजी किसी कर्म का हो जाए तो बुरा नहीं, देखा जाएगा अम्मा, पहले अच्छी तो हो जाओ, बुढ़िया को अच्छे होने से कोई दिलचस्पी ही ना थी, और होगी भी तो मौत को सख्त जल्दी थी, और जब आशा को सिसकता छोड़कर बुढ़िया चल दी तो पूरन की फरमाइश धरी रह गई, रंजी की माँ इतना चीखी कि आशा भी सहम कर चुप हो गई, ऐसे शोक करने वाले भी कौन थे, पेड़ सूख गया तो पत्तियां भी इधर उधर बिखर गई, आशा जिंदगी के नए रास्ते पर चलने के लिए पूरन की मोटर में राजा साहब के यहाँ चल दी, रास्ते भर वो कोने में दुबकी आंसू पोछा की, पूरन को उसकी तरफ देखने की हिम्मत भी ना हुई कि कहीं वो और न रोने लगे, मगर जब आशा महल में पहुंची तो उसका धड़कता हुआ कलेजा जरा के जरा थम गया, राजा साहब ने मोहब्बत से हाथ फेरा और माता जी ने पास बिठा लिया, मगर भाभी ने तो सचमुच कलेजे से लगा लिया, कम उम्र में गम और वो भी बूढ़ी नानी का जरा से दिनों में खत्म हो गया, और साथ की दूसरी नौकरानियों, कामकाज और भाभी के बच्चों की मोहब्बत में और भी कुछ ज्यादा याद ना रहा, आशा एक सीधी पुरसुकून जिंदगी गुजारने लगी। तो ये थी
इस नॉवेलेट की पहली किस्त, शीर्षक का पूरण कल फिर आऊंगा, आपको इसकी दूसरी किस्त सुनाऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, आदाब।